हाय गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक इन योर ओन चैनल दैट इज कॉल्ड द टॉप 10 क्लासेस। और मैं हूं आपका आशीष सर। तो जैसा कि गाइस हमने आपको कल बताया था कि आपका एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक में है और एग्ज़ाम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट हो रही हैं। बहुत सारे बच्चों ने घबराहट में ऐसा कमेंट किया है कि सर इतने कम समय में इतनी सारी तैयारियां कैसे की जा सकती हैं। तो गाइस, किसी भी चीज़ के लिए इतना नर्वस होना, किसी के लिए घबराना, ये आम बात हो सकती है क्योंकि टाइम कम मिल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि टाइम कम मिल रहा है तो आप कर नहीं सकते हैं। यू हैव अ गुड कैपेबिलिटीज, यू हैव अ कैपेबिलिटी टू फेस एनी थिंग्स। आपको किसी भी चीज़ का सामना करने की क्षमता है, आप में पावर है कि आप किसी चीज़ को अच्छे से एनालाइज कर सकते हो, उसे अच्छे से आगे बढ़ा सकते हो और अच्छा कर सकते हो। मुझे पता है केवल आप खुद को रियलाइज करने में घबरा रहे हो, आपको शौक लग रहा है कि कैसे फेस करेंगे। गाइस, मैंने कल भी कहा था, आज फिर से कह रहा हूँ कि जस्ट टेक योर एग्ज़ाम एज लाइक अ फेस्टिवल फॉर यू। बिल्कुल अपने एग्ज़ाम को अपने लिए त्यौहार बना लीजिए। दैट इज़ नॉट अ बर्डन फॉर यू, इट्स जस्ट लाइक अ फेस्टिवल फॉर यू ऑन विच वी हैव प्रिपेयर्ड फॉर वन ईयर्स। वी आर जस्ट गोइंग टू चेक आउट दैट वॉट इफेक्ट इज गोइंग टू बी हैपन इन माई रिजल्ट। ठीक है, हमने साल भर जो तैयारी की है, जो मेहनत किया है, सेल्फ स्टडी किया है, कोचिंग किया है, ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लासेस, तो उसका पूरा साल भर का परिणाम आपके सामने आने वाला है। तो उसे सोच के घबराने के बजाय उस पर विश्वास करना सीखिए कि साल भर में आपने अच्छी खासी मेहनत की है तो अच्छा खासा रिजल्ट आपका हो सकता है। तो कल के दिन हमने इसी चीज़ पे चर्चा किया था कि एग्ज़ाम के बारे में आप इतना नर्वस ना होइए, क्योंकि घबराहट में अच्छी चीज़ें भी दूर हो जाती हैं। तो आपके पास जो भी है, जैसी भी है, डेफिनेटली वो आपके लिए बेहतर है, लेकिन उसमें कुछ मॉडिफिकेशन है, कुछ चेंजिंग है, उसको आप थोड़ा सा केयर कीजिए, क्योंकि अभी भी टाइम बिगड़ा नहीं है, अभी भी टाइम आपके हाथ में है। तो आज हम लोग आप लोगों के साथ चलेंगे वहाँ पर जो शायद इस वक्त आपको ना मिल रहा हो, लेकिन हम एक फर्स्ट एग्ज़ाम है जो आपका 30% सिलेबस माइनस किया गया है, कम किया गया है, हम लोग उसको छोड़ करके तैयारी करते आए हैं और श्योर्ड नहीं है कि छूटा गया है। तो आज इसलिए हम थोड़ी सी पिछली चीज़ों को भी तैयार करके रखेंगे कि मे बी अगर वो सिलेबस माइनस नहीं हुआ है तो आपके 4 नंबर माइनस हो सकते हैं, तो हम लोग उस 4 नंबर को बचाने की कोशिश करेंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे, जैसे हम लोग प्रोज पढ़ते हैं तो प्रोज में क्या होती है गाइज, स्टोरीज होती हैं, आर्टिकल्स होते हैं, कोटेशंस होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, हम उनकी बातें कर लेते हैं। लेकिन जब यही बात हम पोइट्री की करते हैं, पोएम की करते हैं, कवियों की और कविताओं की बातें करते हैं, तो हमारे पास एक समस्या बन के आ जाती है कि अलंकार। अलंकार किसे कहते हैं? हिंदी में आपने अलंकार पढ़ा होगा, उसी तरीके से इंग्लिश में भी अलंकार होते हैं। वैसे तो अलंकार बहुत सारे होते हैं, कई अलंकार होते हैं, लेकिन मोस्टली आपको अपने सिलेबस के थ्रू केवल 7 को पढ़ने हैं। तो फर्स्टली अलंकार किसे कहते हैं? काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। तो हम इंग्लिश में उसकी डिफिनेशन देखेंगे। इंग्लिश में अलंकार को क्या कहते हैं? फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं गाइस। क्या कहते हैं? फिगर ऑफ स्पीच। तो हमने क्या बताया कि फिगर ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो 7 होते हैं तो हम पहले फिगर ऑफ स्पीच की डिफिनेशन देख लेते हैं। फिगर ऑफ स्पीच इज अ डिवोशन फ्रॉम द ऑर्डिनरी यूज ऑफ वर्ड विथ अ व्यू टू इंक्रीजिंग देयर इफेक्ट्स। कह रहे हैं एक साधारण रचना का प्रभाव बढ़ाने के लिए जिन शब्दों को हम प्रयोग में लाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। हिंदी के शब्दों में कह सकते हैं काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। तो अलंकार की बात करें, हमने कहा कि अलंकार कितने होते हैं गाइस? अलंकार होते हैं 7। वैसे ढेर सारे होते हैं, बट इन इंग्लिश आपके अंग्रेजी के सिलेबस में आपको सिर्फ 7 पढ़ने हैं। तो अलंकार 7 होते हैं, जिसमें से कुछ मैंने यहाँ लिखा है। देखिए, काइंड्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं? तो देयर आर 7 काइंड्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच 7 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है सिमिल, कुछ लोग इसे सिमिली भी बोलते हैं। तो गाइज, ज़रूरी नहीं है कि आप हर जगह सिमिली बोलें। जैसे मैथ में आप पढ़ते हैं तो साइन थीटा बोलते हैं, वही साइन थीटा से अलग हो जाता है, इंग्लिश में आता है तो उसे हम सीन बोलते हैं, सीन मतलब हो जाता है पाप। तो इसलिए सबके प्रोनाउंसिएशन के तरीके अलग होते हैं। तो इसका अर्थ होता है सिमिल, सिमिल को हम हिंदी में बोलते हैं उपमा। उपमा किसे कहते हैं? जैसे किसी काव्य की तुलना की जाती है एक दूसरे चीज़ से, हम
जब किसी का कंपैरिजन करते हैं तो कहते हैं उसी से उसकी उपमा होती है। तो उपमा की बात करें, उपमा को इंग्लिश में हम कैसे डिफाइन करेंगे? अ सिमिल इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। सिमिल क्या होता है? उपमा की तुलना दो शब्दों से की जाती है, ऑफ अ डिफरेंट काइंड्स, जो अलग अलग हों, एक ही जैसे नहीं हो। अगर राम है श्याम है तो उसकी तुलना तो हो ही सकती है। तो कह रहे हैं कि दो ऑब्जेक्ट की तुलना, हम अलग अलग ऑब्जेक्टों की तुलना करते हैं, विच हैव एट लीस्ट वन पॉइंट कॉमन, जिन दोनों ऑब्जेक्टों में कम से कम एक बिंदु, कोई एक पॉइंट क्या होता है, कॉमन होता है, जो दोनों में होता है। तो हम क्या करते हैं, जहाँ पर दो ऑब्जेक्टों की तुलना की जाती है जिसमें कम से कम एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए, कम से कम एक बिंदु दोनों में होना चाहिए, वहाँ पर हम किसकी यूज करते हैं, किस फिगर ऑफ स्पीच का यूज करते हैं? सिमिल का यूज करते हैं गाइस। तो सिमिल का यूज करते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल लिख रखा है, क्या? ही इज एज जेंटल एज हिज ब्रदर, ही इज एज जेंटल एज हिज ब्रदर। तो हम क्या कह रहे हैं, वह उतना सज्जन है जितना उसका भाई। हम उसकी तुलना किससे कर रहे हैं गाइस? उसके भाई से कर रहे हैं। वह उतना सज्जन है, उतना सुशील है जितना उसका भाई। तो यहाँ पर कर रहे हैं एज जेंटल एज हिज ब्रदर, वह उतना सुशील है जितना उसका भाई। चले दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। सी इज लाइक अ पीहेन, सी इज लाइक पीहेन, पीहेन डू यू नो गाइस, पीहेन, पीहेन मतलब क्या होता है? मोरनी। कितनी अट्रैक्टिव होती है ना, कितनी प्यारी होती है, जब आप उसे नाचते हुए देखते हैं तो बस देखते रह जाते हैं, आपकी आंखें उसे टकटकी लगा के देखती है ना। तो यहाँ पर भी आपकी बातें की जा रही हैं कि किसी सुंदर सी लड़की को आपने देखा, उसकी कंपैरिजन कर रहे हैं हम, उसकी तुलना कर रहे हैं कि सी इज लाइक अ पीहेन, वो कैसी है? बिल्कुल मोरनी जैसी है। कैसी है? मोरनी जैसी है। तो आई होप कि आपको सिमिल क्लियर हो गया होगा। सिमिल में कम से कम दो ऐसी चीज़ें होती हैं, जो दो सेंटेंसेस में एक ऐसी चीज़ें हों जिनका दोनों से हम तुलना कर पाते हैं, कंपैरिजन कर पाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? उपमा कहते हैं। अब देखिए, आते हैं हम दूसरे स्टेप पे, मेटाफर, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेटाफर को बोलते हैं रूपक। रूपक को डिफाइन करेंगे अगर इंग्लिश में, तो हम रूपक की डिफिनेशन क्या बता सकते हैं? इन मेटाफर थिंग्स आर कंपेयर्ड एज वन एंड सेम। मेटाफर में क्या होता है, किसी एक ही चीज को बिल्कुल हूबहू मान लिया जाता है, एक ही जैसा मान लिया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? रूपक कहते हैं। यहाँ पर दो चीज़ों में तुलना की जा रही है सिमिल में, जबकि आपके मेटाफर में दो चीज़ें नहीं होंगी, एक ही चीज़ को पूरा मान लिया जाता है, एक ही चीज को पूरा मान लेते हैं। जैसे लाइफ इज अ ड्रीम, लाइफ इज अ ड्रीम, ड्रीम क्या? लाइफ इज अ ड्रीम, जीवन क्या है? जीवन सपना है। अब जीवन को हम किसी चीज से तुलना में नहीं ला रहे हैं, जीवन को ही मान ले रहे हैं कि जीवन क्या है? सपना है, जीवन और कुछ नहीं है, केवल एक ख्वाब है। तो हम क्या कह रहे हैं? लाइफ इज अ ड्रीम। अब यहाँ पर हमने तुलना किया नहीं किया, क्यों? क्योंकि तुलना करना होता तो हमें दो ऑब्जेक्ट चाहिए होते थे ना, हमारे पास तो एक ही है लाइफ, केवल लाइफ है ना, उसकी तुलना नहीं की जा रही, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? मेटाफर होगा। जैसे दूसरा देखिए, द कैमल इज द शीप ऑफ द डेजर्ट। कैमल माने क्या होता है गाइस? एनिमल्स नेम तो आप जानते ही होंगे ना, बिल्कुल जानते हैं, हमें पता है, आपको पूरा पूरा एनिमल्स नेम याद है, आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, आपने मेहनत किया है। तो कैमल, द कैमल इज द शीप ऑफ द डेजर्ट। ऊंट क्या है? रेगिस्तान का जहाज है। क्या है? जहाज है। जहाज कहाँ का है? रेगिस्तान का। अब यहाँ तुलना नहीं की जा रही है कि ऊंट जो जेट है, जेट विमान है, ऐसा नहीं है, ऊंट को ही हम जहाज मान लिए हैं कि ऊंट रेगिस्तान का क्या है? जहाज है, यानी कि ऊंट को ही सब कुछ मान लिया गया है वहां के लिए, इसलिए ये क्या हो जाता है? रूपक हो जाता है। अब देखिए, हमें प्रॉब्लम ये है कि ये भी सेंटेंस लगभग वैसा ही है, दूसरा सेंटेंस भी वैसा ही है, तो हम दोनों में डिफरेंस कैसे करेंगे? बहुत लंबा डिस्क्रिप्शन नहीं देंगे क्योंकि आपके पास टाइम कम काम ज़्यादा है, थोड़े में सिर्फ एक पॉइंट में क्लियर करेंगे गाइस, केवल माइंड कीजिएगा, सिर्फ एक पॉइंट आपके लिए पर्याप्त होगा। क्या? सिमिल में एज लाइक सो का प्रयोग होता है, यानी कि कंपैरिजन करने के लिए या तो वाक्य में एज आएगा या लाइक का प्रयोग किया गया होगा या फिर सो का प्रयोग किया गया होगा। लेकिन जब हम मेटाफर की बात करते हैं तो लाइक सो और एज में से किसी का भी प्रयोग नहीं होता है। क्यों? क्योंकि लाइक सो एज ये वर्ड वो हैं जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन करते हैं ना, और मेटाफर में तो एक अकेला होता है, इसलिए इसमें इसका प्रयोग नहीं होता है। इज दैट क्लियर? चलिए आते हैं हम लोग किस पर? पर्सनिफिकेशन पर। पर्सनिफिकेशन, अब इसको परेशानीफिकेशन मत बोलिएगा भैया, लेकिन है उसी के तरह से। पर्सनिफिकेशन,
पर्सनिफिकेशन का मतलब क्या होता है? मानवीकरण। मानवीकरण मतलब किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को ही जो हमारे बीच में नहीं होता लेकिन मनुष्य के रूप में मान लेते हैं, मनुष्य के रूप में उसे समझ लेते हैं, उसी चीज़ को हम कहते हैं मानवीकरण। जैसे मान लीजिए कि आत्मा हमारे बीच में नहीं है, हमारे शरीर के अंदर है लेकिन हम उसे मान लेते हैं। जैसे हम कहते हैं कि दरवाज़ा, भाग्य दरवाज़ा खटखटाता है, भाग्य को आपने देखा नहीं? देखा ना, वो तो कर्म पे निर्धारित होता है। तो हम भाग्य को ऐसा मान लेते हैं कि जैसे आदमी दरवाज़ा खटखटाता है वैसे भाग्य दरवाज़ा खटखटाता है। तो गाइस क्या हो जाएगा कि सिमिल के डिफिनेशन की बात करेंगे, इन पर्सनिफिकेशन लाइफलेस ऑब्जेक्ट एंड अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर थॉट्स एज अ पर्सन हैविंग लाइफ। मतलब निर्जीव चीज़ें, निर्जीव उद्देश्य बिल्कुल उस तरह से मान लिया जाता है जैसे जीवित इंसान, जीवित इंसानों जैसे उसकी तुलना की जाती है। तो वहीं पे हम किसका यूज़ करते हैं? पर्सनिफिकेशन का यूज़ करते हैं, मानवीकरण का यूज़ करते हैं। जैसे अपॉर्चुनिटी नोक्स एट द डोर बट वंस। अपॉर्चुनिटी मतलब व्हाट इज मीन ऑफ अपॉर्चुनिटी? अपॉर्चुनिटी मीन्स अवसर, अवसर की बात की जा रही है। अपॉर्चुनिटी नोक्स डोर बट वंस, भाग्य जो है, अवसर जो है, एक ही बार दरवाजा खटखटाता है, बार बार नहीं खटखटाता, केवल एक बार। भाग्य दरवाजा खटखटाता है लेकिन एक बार, उससे ज्यादा नहीं। अब भाग्य को तो हमने देखा नहीं तो खटखटाएगा कैसे? हमें मौका देता है लेकिन हम उसकी तुलना कैसे कर रहे हैं कि बिल्कुल वह इंसान हो, जैसे इंसान दरवाजा खटखटाता है वैसा भाग्य भी हमारा दरवाजा खटखटाता है। फिर क्या दिया है? लव इज ब्लाइंड, लव इज ब्लाइंड। लव को आपने देखा है कैसा है भैया? मोटा, ताजा, चौड़ा, दुबला, पतला, लंगड़ा, लूला, नहीं ना भाई? हमने देखा नहीं, हमने इमेजिन किया है उसको, हम महसूस करते हैं, फील करते हैं ना, फील करते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं क्या? लव। तो कह रहे हैं कि लव इज ब्लाइंड, प्रेम अंधा होता है। जब हमने उसे देखा ही नहीं तो ये कैसे जान लिया कि अंधा होता है? क्योंकि हम महसूस करते हैं और जिस चीज़ के बहुत क्लोज हो जाते हैं, बहुत इफेक्टिव हो जाते हैं, तो उसकी हर चीज़ें हमें बहुत अच्छी लगने लगती है। वो अच्छा कह रहा है कि बुरा कह रहा है, सही कह रहा है कि गलत कह रहा है, डोंट केयर अबाउट दैट, ओनली व्हाट एवर ही इज स्पीकिंग दैट इज इफेक्टिव फॉर अस। हम उसी को सही मान लेते हैं। ओके गाइज, यहाँ तक क्लियर हुआ? ओके गाइज, तो हम लोगों का चल रहा है फिगर ऑफ स्पीच। हमने अभी क्या पढ़ा? सिमिल, मेटाफर, और अब आपका नंबर आ रहा है किस चीज़ का? चौथा नंबर है अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी का मतलब क्या होता है गाइज? अपोस्ट्रोफी का मतलब हो जाता है संबोधन। वर्ड से गेस कीजिएगा, संबोधन मतलब किसी को संबोधित करना। तो कह रहे हैं कि एन अपोस्ट्रोफी इज अ डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड और द पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडियाज। कह रहे हैं कि आपका जो अपोस्ट्रोफी होता है उसका प्रयोग हम सीधा सीधा किसी चीज़ को संबोधित करने के लिए, किसी निर्जीव चीज़ों को संबोधित करने के लिए कर देते हैं, या किसी चीज़ को, ऐसी चीज़ जिसको हम देख तो नहीं सकते हैं लेकिन उसकी कल्पना करते हैं, उसको एड्रेस करते हैं, तो वहीं पे हम यूज़ करते हैं अपोस्ट्रोफी। जैसे ओ डेथ कम सून, डेथ मौत को किसी ने देखा? मृत्यु को किसी ने देखा? नाइदर आई नॉर यू, किसी ने देखा नहीं, बस एक दिन आती है और लेके चली जाती है। तो कह रहे हैं कि ओ डेथ कम सून, ए मृत्यु, हे मृत्यु आओ, जल्दी आओ, कम सून। फिर कह रहे हैं ओ बेल रंग, अब जैसे ओ बेल, हे घंटियाँ बजो। अब गेस कीजिएगा आप गाइस कि ओ बेल्स रंग, अब ये वर्ड कहाँ पर है? जब अमेरिका में युद्ध, गृह युद्ध चल रहा था उस समय विजय प्राप्त करके आपके जो लेखक कवि महोदय थे वापस आ रहे थे और वो अपने डेक पर मरे हुए पड़े थे, तो उनका जो नाविक था उसने संबोधित किया था कि लोग आप खुशियां मनाओ, गीत गाओ, लेकिन मेरा जो नाविक है, मेरा जो ये युद्ध समाप्त करने वाला योद्धा है वह तो समाप्त हो गया है। तो वहाँ पर इस चीज़ को यूज़ किया गया है, ओ वेल रंग, हे घंटियों बजो। अब घंटियाँ तो सुनती नहीं हैं, लाइफलेस ही होती है ना। तो यहाँ पर क्या दिया गया है? अगला है ऑक्सीमोरोन, विरोधाभास। विरोधाभास मतलब किसी चीज़ में या तो बहुत अधिकता हो जाएगी या तो कमी हो जाएगी। तो कह रहे हैं कि इन दिस फिगर ऑफ स्पीच टू ऑफ अपोजिट क्वालिटीज आर एडेड टू द सेम थिंग्स। इसमें दो अलग अलग चीज़ें बिल्कुल एक जैसी दिखाई जाती हैं, अलग अलग चीज़ें। जैसे ही इज रेगुलरली इरेगुलर, रेगुलर मतलब नियमित, इरेगुलर मतलब अनियमित।
वह नियमित रूप से अनियमित है, नियमित भी है और अनियमित है। वह नियमित रूप से अनियमित है, जैसे दूसरा देखिए, हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, उसके पास कुछ ना होते हुए भी सब कुछ है। जब कुछ नहीं है तो सब कुछ कैसे है? इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है भैया? इसका नाम रखा गया है आपका ऑक्सीमोरोन, विरोधाभास। यहाँ पे विरोध की भावनाएं हमेशा उत्पन्न होती रहती हैं। उसके बाद क्या दिया है? हाइपरबोले, इसको कहते हैं अतिशयोक्ति, यानी कि किसी चीज की अधिकता, बहुत अधिक बताया जाए, सीमा से अधिक या सीमा से कम, उसी को हम क्या कहते हैं? अतिशयोक्ति कहते हैं। जैसे इन हाइपरबोले थिंग्स आर शोन एज अ ग्रेट और लेस, या तो चीजों को बहुत महान बता दिया जाएगा या तो बहुत छोटा बता दिया जाएगा, और बेटर और वर्स, या तो इसे बहुत अच्छा बताया जाएगा या बहुत घटिया बता दिया जाएगा। देन दे हैव, जो वास्तव में वो होते हैं उससे अधिक या तो उससे कम। फिर क्या है, जैसे एग्जांपल देखिए, सी वेप्ट ओशियन ऑफ टीयर, आपने किसी को देखा है कि इतना रोया हो कि क्यारी जमीन भीग जाए? नहीं ना। लेकिन यहाँ वर्ड क्या दिया जा रहा है? सी वेप्ट ओशियन ऑफ टीयर्स, वह आंसुओं से समुद्र भर दी, मतलब इतना रोई कि समुद्र भर गया। तो अतिशयोक्ति तो हो रही है, अधिकता हो रही है ना। समुद्र भरा जा सकता है? खेत की भराई तो हो ही नहीं सकती, समुद्र कैसे भरेंगे? तो अधिक बताया जा रहा है, सी वेप्ट ओशियन ऑफ टीयर्स। उसके बाद क्या है? रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोडेड इन द बैटल, बैटल मतलब युद्ध भूमि, रिवर मतलब नदी, फ्लोड मतलब बहना, ब्लड माने खून। कह रहे हैं कि रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोडेड इन द बैटल, युद्ध में खूनों की नदी बह गई, खूनों की नदियां बहने लगी, इतना रक्त गिरा कि खूनों की नदियां बहने लगी, इतना बढ़ा करके बताया जा रहा है। अब उसके बाद क्या आ रहा है? ओनोमोटोपोया, मतलब ओनोमोटोपिया मतलब इसका होता है ध्वनि सूचक है भाई। जैसे हम बोल रहे हैं तो आप समझ ले रहे हो, नहीं बोलेंगे तब उसे मेरी आवाज़ से गेस करना है, मुझे देख रहे हो आप समझ ले रहे हो। तो यहाँ ध्वनि सूचक का मतलब होता है किसी चीज़ को उसकी आवाज़ से पहचानते हैं। जैसे अगर सांप को देखना हो, आप ना देख रहे हो, कहीं से आवाज़ सुनाई पड़ती है तो गेस करते हैं ना कि यार तो सांप की आवाज़ है, सांप बोल रहा है। तो जैसे दिया गया है कि इन दिस फिगर ऑफ स्पीच द साउंड्स सजेस्ट द सेंस और मीनिंग, इस फिगर ऑफ स्पीच में हम आवाज से अनुमान लगाते हैं कि यह किस चीज की आवाज है, किस चीज की ध्वनि है। जैसे बीज हम्स, हम मतलब क्या होता है? भनभनाना। मधुमक्खियां क्या करती हैं? भनभनाती हैं, उनके भनभनाहट से समझ जाते हैं कि मधुमक्खियों का जत्था जा रहा है। फिर क्या है? द कैट्स म्यू, कैट बिल्ली कैसे बोलती है? म्यू करती है ना, तो द कैट्स म्यू, जब म्यू करती है तो हम समझ जाते हैं कि बिल्ली रो रही है, मार के भगाओ भाई, अब शगुन होता है। ठीक है, तो कैट को हम उसकी आवाज़ से समझ लेते हैं। फिर कुकूस कूक, कोयल क्या करती है? कूकती है। इस वक्त चाँद चल रहा है, बसंत ऋतु आई है, पतझड़ बीता, बसंत चालू है। तो आप बसंत ऋतु में हम क्या सुनते हैं भैया? कुक्कू की आवाज़ सुनते हैं। कुक्कू करती क्या है? कूकती है। तो अभी आपने यही आपके सात होते हैं फिगर ऑफ स्पीच, इस सात फिगर ऑफ स्पीच को शॉर्टली याद रखने के लिए, शॉर्टली याद करने के लिए आप एक फॉर्मूला रखिएगा। फिगर ऑफ स्पीच में सिमिल है और मेटाफर है, उसके बाद ऑक्सीमोरोन है, अपोस्ट्रोफी है, हाइपरबोले है, ओनोमेटोपोया है, पर्सनिफिकेशन है। ये सात जो होते हैं आपके, ये होते हैं आपके फिगर ऑफ स्पीच। शॉर्ट में हम इसको अगर याद रखना चाहते हैं तो सातों इस फिगर ऑफ स्पीच के पहले पहले लेटर चूज कर लीजिए, तो आपको मिल जाता है शैम्पू। शैम्पू को हम क्या कहते हैं? शॉर्टली में याद करते हैं तो सिमिल, मेटाफर, उसके बाद पर्सनिफिकेशन, अपोस्ट्रोफी, ऑक्सीमोरोन, हाइपरबोले, ओनोमेटोपोया। तो इस तरह से जो हम सातों को आसानी से याद रख सकते हैं गाइस। तो ये आपके आप जो होते हैं आपके एग्जाम में लगभग 3 से 4 नंबर के पूछे जाते हैं। तो ये 4 नंबर की डिफिनेशन विथ एग्जाम्पल आपके सामने है। आई होप कि आपने अच्छे से समझा होगा, एक बार फिर से प्रैक्टिस कीजिएगा। नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में भेजिए, हम डेफिनेटली आपकी समस्याओं को दूर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड बी रेडी फॉर योर एग्जामिनेशन टू गेन द गुड मार्क्स।